हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनादर मज़ेदार गेम प्ले वीडियो ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर 22। तो भाई पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने भाई ना अपने काउस के लिए बनाया था टीएमआर। भाई टीएमआर की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी अपने को। टीएमआर का मतलब टोटल मिक्स राशन है भाई। ये ना मिल्क प्रोडक्शन के लिए भाई एक नंबर चीज़ है। आपको नहीं पता तो बता दूँ मैं। अभी आप देख सकते हो कि अपने पास है 30 काउस और उनकी हेल्थ एकदम भाई पूरी 100% है। अपने पास फूड की कमी नहीं भाई, 40,000 प्लस लीटर फूड है। बाकी अपने पास मिल्क है 2740 लीटर। तो भाई अभी अपने पास मिल्क टैंकर है नहीं, इसको सेल नहीं कर सकते। अभी अंदर स्टोर पे है अपना, मतलब अंदर स्टोरेज में पड़ा है। तो भाई इसको सेल करेंगे जल्दी वरना ख़राब हो जाएगा। तो इसी वीडियो में ना लास्ट में इसको सेल कर देंगे। बाकी अपने पास ना स्ट्रो की कमी है। अपने पास स्लरी है 6875 लीटर। तो ठीक है, इनका भी देख लेते हैं। बाकी ना एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये अपना महिंद्रा आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हमने यूज़ में लिया था। बाकी ना एक नई चीज़ ख़रीद के लाया हूँ मैं, तो जल्दी से आप देख लो इसको। तो भाई ये है अपने पास, दो है ख़तरनाक वाले बेलर। तो दो अपने पास बेलर है, एक तो भाई छोटा वाला बेलर है और पीछे ना ये वाला बेलर। भाई कुछ आपको अजीब लग रहा होगा कि यार ये कैसा बेलर है। तो अभी इसका ना यूज़ बताऊँगा मैं अभी आपको। तो आप भाई वीडियो को पूरा देखना कंटिन्यू। मैं ले भाई ट्रैक्टर चेक करो यार आप लोग, यार बिल्कुल ना एकदम नेक्स्ट लेवल ट्रैक्टर है ये। तो अपने पास दोनों बेलर हैं, तो पहले ना ये वाला बेलर को यूज़ करते हैं। आपको पता ही, अगर पिछली वीडियो जिसने देखी थी, हमने भाई बेल्स भाई ना अपना ये स्लरी नहीं है भाई, क्या बोल रहा हूँ यार, हेई वगैरह और भाई ना बिल्कुल ना अपन ख़रीद के लाए थे यार। तो स्ट्रो वगैरह सारे बेल्स ना अपन ख़रीद के लाए थे, आपने पिछली वीडियो में देखा ही था। तो अभी वो ख़रीदने का काम नहीं है, तो अभी हम ना खुद बनाएंगे भाई, खुद बेल्स बनाएंगे अपनी। और ये वाला कंस्ट्रक्शन भाई मैंने न्यू करवाया है, तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये आपको पता है कि किस चीज़ के लिए है, तो भाई वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ किस चीज़ के लिए काम में आता है ये। भाई आज आपका ये क्वेश्चन है, ये वाली जगह किस चीज़ के लिए काम में आती है, तो वो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। तो बाकी भी हम चलते हैं खेत पे और इसका यूज़ दिखाता हूँ मैं। इसका एकदम भाई मस्त यूज़ है। ये पता है बेलर अपना बेल्स बनाने के लिए, लेकिन कौन सी बेल भाई, ये कौन हार्वेस्टिंग के काम में आता है भाई, कौन हार्वेस्टिंग। अभी अपने हार्वेस्टर पड़ी है खेत में, तो ये वाला बेलर लेके चलते हैं वहाँ पे और हार्वेस्ट करते हैं। नहीं मतलब कौन साइलेज भाई, साइलेज बनाने के काम में आता है ये, मतलब साइलेज बेल्स बनाने के लिए काम में आता है ये, सीधी ये बताऊँ तो। बाकी वो जगह बताओ ना, वो चार दीवारी किस लिए थी मेरे को, ये कमेंट सेक्शन बताओ भाई। ये कहाँ पड़ी अपनी हार्वेस्टर पूरी अंदर, तो जल्दी ना उसको चालू कर देता मैं। पहले ना इसको अब निकालते हैं बाहर 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 आ जा केमॉन। तो एक काम करते हैं ना, इसको करता हूँ चालू। भाई चल क्यों नहीं रही, अब चलेगी ना, अब चलेगी। तो गाइस आप चेक करो कि ये किस चीज़ में काम में आता है भाई। एकदम भाई वो मशीन अपनी अपना पूरा कॉर्न को साइलेज नहीं, एकदम कॉर्न का चारा बना के इधर फेंक रही है। पीछे अपना बेलर चल रहा है और आप देखो भाई डायरेक्ट साइलेज बनेगा इसमें, साइलेज बेल्स बनेगी इसमें अपने कॉर्न की। भाई आप देखना अभी पीछे, भाई ये अपना राउंड बेलर है ये, भाई मेरे को लगा स्क्वायर था ये। और एक चीज़ आपको पता नहीं होगी भाई, ये रेपर भी इसी में ही है भाई। रेपर क्या बोल रहा मैं, क्या हुआ, चल क्यों नहीं रही। हाँ ओके, ज़्यादा ही दूर आ गया था क्या। इस यहाँ का स्क्रीनशॉट लेता मैं एकदम भाई थंबनेल के लिए बढ़िया स्क्रीनशॉट लेता मैं यहाँ से। ओके सेव्ड इन द गैलरी, बढ़िया वन क्लिक स्क्रीनशॉट। भाई कितना सही चीज़ है ना, बेल बिल्कुल ना एकदम कंप्लीट होके गिरेगी,
भाई ना बिल्कुल ना एकदम भाई, ये तीन चार काम एक साथ कर रहा है यार, बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक बेलर है ये। थोड़ा पास लेते ना, क्या हुआ भाई, चलने दे ना। अबे भाई वो क्यों नहीं चल रहा, अरे एक सेकंड, कुछ बेल गिरी नहीं ना, कुछ है क्या इसमें बटन वटन, तभी तभी दिक्कत दे रहा है। ओके चेंज बेल साइज, वाई क्या है, अनलोड राउंड बेल वाई से, ओके तो ये सीन है। ओके समझ गया मैं, क्योंकि ना मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा ना तब बेल गिरेगी, अगर बेल नहीं गिरी ना तो भाई अंदर ये स्टोरेज खाली नहीं होगी, ये समझ गया मैं, ये दिक्कत आ रही थी। ओके समझ गया भाई समझ गया, तो मेरे को ना बटन दबाना पड़ेगा उसके लिए। भाई इसका टायर क्यों नहीं चल रहा भाई, ओके चल गया। चलने दो चलने दो चलने दो, घूम जा भाई। तो मैंने फिर बटन दबाया भाई, वन क्लिक, तब गिरा ये नीचे। भाई घूमता ही नहीं है ये भाई, कितना हेवी ट्रेलर मतलब बेलर है ये। ओके घूम गया, अब चलेगा ना सही से। भाई बेल प्रोडक्शन एकदम बढ़िया हो रहा है अपना, मतलब ये ना अपने ट्राली का काम कर रहा है पहले तो, फिर बाद में ये बेल बना रहा है, प्लस बेल को रेप कर रहा है, रेप रेप WW, ओके। और बाकी अपनी फॉरेज की मशीन आगे चली रही है भाई, बिल्कुल फॉरेज बना रही है तगड़ा वाला वो भाई एकदम। भाई क्या ही बताऊं मैं यार आप लोगों को, क्या ही मशीन है यार ये भैया, हमें आगे दौड़ा दिया। वाह भाई बिल्कुल बेल गिर गई नीचे यार, क्या ही मस्त मशीन है ये। तो भाई आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार काउ फार्मिंग के लिए और क्या क्या चीज़ें लाई जाए बिल्कुल न्यू न्यू, जैसे मैं आज ये बेलर खरीद के लाया हूँ। बाकी कुछ इम्प्लीमेंट मेरे को बेचने पड़े भाई, अपने पास पैसों की कमी है बिल्कुल तगड़ी वाली, कुछ अपने पास सामान बेचेंगे, बेच दिए मैंने, बेचेंगे क्या, तब जाके तो ये सामान आए हैं। तो एक चीज़ आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ, मेरे को ना जल्दी से वो लानी पड़ेगी यहाँ पे भाई। बिल्कुल भाई कैसे मिस कर दिया मैंने यार। तो गाइज़ आपने नोटिस किया होगा कि ये चीज़ क्या थी पिछली वीडियो में, तो भाई मैं इसको मिस कर रहा था भाई, इसका भी यूज़ है अपना, तो यार मैं इसको कैसे मिस कर दिया यार। भाई ये ना एक तरीके का अपना ये बोलते हैं अपना फीड ही है अपना, मतलब पैलेट टाइप का कुछ, भाई कुछ क्या पैलेट टाइप ही है ये। तो एक चीज़ ना ये अपनी जो फोरेज की मशीन है ना उसमें ना ये डल जाता है, तो और बाद में अपना वो फोरेज जो निकालती है पीछे बेलर में उसमें मिक्सड होके आता है वो, तो भाई एकदम साइलेज बनाने के लिए तो एकदम भाई बिल्कुल बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि ना इससे ना अपना साइलेज का न्यूट्रिएंट्स है ना वो बढ़ जाता है, तो ये ना बहुत बढ़िया चीज़ है। तो भाई इसका यूज़ करना पड़ेगा अभी, मैं यार भूल गया था पता नहीं भाई, मैंने बेलर चालू कर दिया तो कोई नहीं, अच्छा याद आया मेरे को, ज़्यादा काम हुआ नहीं वरना अपना प्रोडक्शन कम होता है यार, क्वालिटी क्वालिटी अपनी साइलेज की क्वालिटी कम होती है, प्रोडक्शन तो नहीं, प्रोडक्शन तो भाई होना वही है, ये तो भाई थोड़ी सी थोड़ा सा ही तो है फीड मिल रहा, मिनरल फीड। तो इसको अभी रखते हैं अपन यहाँ पे, गिर जा भाई गिर जा, ओके बढ़िया। तो इसको भाई ये यही लेके आ गया मैं यार अपना लोडर ही, तो अभी ना
अब देख सकते हो बॉटम राइट कॉर्नर में कि भाई फिलिंग हो रही है अपनी हार्वेस्टर के अंदर। तो ये जैसे 100% हो जाएगी अपना काम हो जाएगा। ओके, हर 100% हो गई, इसको हटा लेते डिब्बे को, वैसे साइड में ये कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर को लेते हैं पास और फिर तक काम चालू करते हैं अपना बेलर का। भाई एक तो यार घूमता नहीं आ रही है ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर आपने नोटिस किया होगा भाई, बिल्कुल ही अलग ट्रैक्टर है ये भाई। इसके चारों तरफ की फाटके वाटके खोली, आगे वाला कांच खुला है, पीछे वाला कांच खुला है। अरे वो इधर घुमा ले पाइप वगैरह भाई। भाई ड्राइवरी चेक करो अपनी, आपके बाइक की। लेकिन पीछे बेल गिराऊंगा मैं भी, क्या ही मैं कुछ भी कर रहा हूँ आज। ये पता नहीं यार ये घूमने में इतनी दिक्कत क्यों दे रहा है अपना बेलर। ये मतलब बहुत ज़्यादा लंबा है ना, टायर टच हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये मतलब गेम की वजह से दिख नहीं रहे, लेकिन ये टच हो रहे हैं। रियल लाइफ में होते तो टच ही होते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से ना ये भाई एकदम घूमता नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ही स्लो है ये। इससे बढ़िया ना एकदम भाई लंबा राउंड काट के निकाल लेता मैं। तो चलो कोई नहीं यार। और ना अपने को टैंकर खरीदना भाई, बताना भूल गया मैं। पानी तो अपना ऑटोमेटिक है, लेकिन ये अपने ना मिल्क के लिए एक टैंकर खरीदना पड़ेगा अपने को। छोटा टैंकर खरीद लेंगे अभी, क्योंकि अभी अपने पास गाय भी तो कम है यार, बहुत ही कम, ज़्यादा कम गाय है। अरे यार ये घूमनी यार, मेरे को ना ट्रैक्टर चेंज करना पड़ेगा। ये ट्रैक्टर में दिक्कत है, आई थिंक सो। बड़ा ट्रैक्टर चाहिए इसके बेलर के लिए, क्योंकि ना ये ना ऑल इन वन बेलर है ना, तो दिक्कत देता है। बड़ा ट्रैक्टर तो था अपने पास एक जॉन डियर का, ये रहा ये रहा। तो ये ट्रैक्टर अभी एकदम उसको सही तरीके से चला पाएगा। तो बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ यार, मतलब आप सजेशन देना चाहते हो तो दो। इंडियन ट्रैक्टर वगैरह भाई सब कुछ है अपने पास। भाई मैं पैलेट के ऊपर से आ गया, मिनरल फीड भाई इसको क्या नाम था मैं भूल गया, जो भी था इसका देखना पड़ेगा यार। खरीद के लाया था मैं, और उस टाइम पता था आपको तो पता हो तो भाई बहुत सारी चीज़ें बेची थी अपने। ये देखो ना, यही तो मैं कह रहा, ये हुई ना बात अभी भाई, ये हुई ना बढ़िया वाली बात। ये ना ऑल इन वन बेलर यार, ऑल इन वन बेलर मतलब भाई क्या ही बढ़िया है ये। ज़्यादा भाई आगे भी नहीं चलाना था इसको, हार्वेस्टर के साथ साथ ही चलाओ। ये हर बार मेरे को बटन दबाना पड़ता है ये गिराने के लिए बेल को। लेकिन भाई ना इतनी जो फास्ट फास्ट जो बन रही है ना भाई, क्या ही प्रोडक्शन आ रहा है। प्लस क्वालिटी आपको पता ही है, हमने वो कर ही दिया था, क्वालिटी तो इंक्रीज हो ही गई है अपनी। बाकी वो भी घुमा रहा है, मैं भी घुमा रहता हूँ इसको। मैं ना ये बंद ही कर देता हूँ भाई, बंद करने पे सही घूमता है ये। भाई ये वाला खेत तो आज तो क्या ही होएगा यार, मेरे को तो मुश्किल लग रहा। ये कहाँ चढ़ गया भाई,
एक तो यार वो अपनी हार्वेस्टर का जो ड्राइवर है ना, एकदम भाई कितना ही चोमू आदमी है यार, गलत ही आदमी है वो, बिल्कुल भी काम का नहीं है भाई। इधर घुमा ले पाइप यार, बिल्कुल ना पास ले जानी पड़ती है उसके, ये देखो इतनी पास, चलने दो भाई, पीछे चलानी पड़ेगी तेरे। भाई बेल पे बेल सारी अपनी प्रोडक्शन एकदम भाई तगड़ा वाला है अपना। यार मेरे को एक सेकंड कमेंट सेक्शन में बताओ, जैसे कि अभी ये पूरा खेत काटना है तो मैं अभी इसको स्किप करूँगा वीडियो को और मैं काटूँगा, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो भाई ये चीज़ बताओ कि आप इसको ना पूरा देखना चाहते हो या नहीं, कि मतलब कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं ना जिनको स्किप करने में ही बढ़िया रहता है, तो मैं इसको कर देता हूँ वीडियो को स्किप। तो यार वीडियो स्किप क्यों करना भाई, दूसरा काम कर लेते, ये काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा काम आपको बताने के लिए कर देता हूँ अभी। बाकी ना अभी तो अपनी को मोर चलाना है यार खेत में, ये वाला खेत है ना अपना, क्योंकि ना इसकी भी तो बनानी है अपने को बेल्स, वो वाला सेकेंड वाला बेलर जो मैंने खरीदा था इसी के लिए तो खरीदा था मैंने, लेकिन मैंने मोर कहाँ रख दिया, यहीं पे था। ओके ये रहा, बाकी ना मोर छोटा है तो भाई एकदम भाई छोटा ट्रैक्टर इंडियन स्टाइल वाला। और अभी ना बेलर भी खरीद लेके आऊँगा मैं, वो भी एक इंडियन ट्रैक्टर से लेके आऊँगा, अपना महिंद्रा खड़ा है यार वहीं पे इंडियन ट्रैक्टर। मेरे को ना गाज कुछ ज़्यादा ही एकदम बड़ी लग रही है, ये काम तो कर जाएगी ना। अरे 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 भाई भाई कहाँ कहाँ, ये ना ज़्यादा ऊपर चढ़ा हुआ है। ये अपना खेत है ना, और भाई आउट ऑफ हार्वेस्टेड हो गया क्या, एक सेकेंड, नहीं, रेडी टू फर्टिलाइज, ये पोटेटो, अब भाई यार पोटेटो ये, तो इसको ना अगले वीडियो में हार्वेस्ट करेंगे पोटेटो हार्वेस्टिंग। भाई मेरे को तो पता भी नहीं था ये अपना ही खेत है और इसमें पोटेटो मैंने कब लगा दिए। तो यार इसमें ना पोटेटो ना मेरे को याद नहीं कि ये जब मैंने ख़रीदा था ना इसमें पोटेटो थे, लेकिन रेडी टू हार्वेस्ट हो गया ये और मेरे को पता भी नहीं था ये। अच्छा हुआ ना मैं पास से निकला हूँ तब पता चला अपने को। तो बढ़िया, इसको भी हार्वेस्ट करेंगे अगली वीडियो में। रुका है क्या वो, ओके नहीं रुका। तो ये अपना एक बेलर का ट्रेलर, एक बेल यहाँ पे पड़ी है भाई, यहाँ पे कहाँ छोड़ गया कौन, चलो कोई नहीं, लेते हैं अपना महिंद्रा और जोड़ते हैं अपना मेसी फर्गुसन का बेलर जो अभी हम खरीद के लाए थे। वो ना मैंने हे के लिए रखा था बेलर, ये वाला छोटा छोटा, भाई छोटी छोटी बेल्स आएगी इसमें तभी। लेकिन 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 आइए भाई, एकदम एक छोटा सा बेलर है यार ये, यार मतलब कितना बढ़िया लग रहा ना, और ट्रैक्टर के साथ एकदम भाई बिल्कुल ना सेट हो गया ये पूरा, जैसे इसी ट्रैक्टर के लिए बना हो। तो इससे भी हे की बेल्स बनाते हैं, मेसी का ट्रैक्टर, मेसी का ना मेसी फर्गुसन, ओके अपना महिंद्रा का ट्रैक्टर बिल्कुल इंडियन 575 DI XP+। तो फोरेज का काम तो अपना हो ही रखा था। तो गाइस मैंने चालू कर दिया अपना बेलर, एक सेकेंड, यू नीड टू अनफोल्ड बेलर, ओके भाई अनफोल्ड करना पड़ेगा यार, कहाँ यार मतलब बिना बिना अपने ना मैनुअल देखे ना मैं चालू कर देता हूँ ना इसका काम, भाई मेरी आदत बहुत गंदी खराब लगी पड़ी है इसकी।
देखते हैं भाई कितनी बड़ी बेल्स आती है इसकी। मैं कहाँ चला रहा हूँ भाई, बीच में चलाना था भाई, लेकिन ट्रैक्टर की स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ है यार, इतनी तेज़ भी नहीं होनी थी। अबे बेल्स कब आएगी इसकी, ये ना ले भी नहीं रहा, छोड़ते हुए क्यों जा रहा है यार भाई। ट्रैक्टर के ना गियर डाउन करने पड़ेंगे, ये हुई ना बात भाई, ये एकदम भाई बिल्कुल कंट्रोलिंग में। तो गाइज है कि बन रही है बेल्स अपने महिंद्रा ट्रैक्टर से। हाँ अभी तक एक भी बेल नहीं गिरी भाई, कितनी छोटी छोटी सी बेल्स है यहाँ पे यार, कितना बढ़िया है यार ये ट्रैक्टर, ये बेल भाई ना, अगर इससे ना अभी इसकी बेल्स बनाते ना अपन, क्या बोलते हैं इसका, कौन की भाई ना, एक मैं बोल रहा हूँ ना पीछे ना बेल्स गिरती हुई जाती, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था अपना कॉर्न का यार। ये बेलर के ना सभी बेलर की दिक्कत है ये भाई, घूमते नहीं है, मतलब इनका छोटा सा तो कटा। अभी तक ना एक भी बेल नहीं गिरी ना, क्योंकि ना वो थोड़ा सा दिक्कत देता है, क्योंकि पूरा खाली रहता ना तब ना, थोड़ी बेल्स आने के बाद ही गिरना चालू होती है, मतलब एक दो बेल्स इसमें एडवांस भी रहती है ना। ये ना अपना ट्रैक्टर कुछ ज़्यादा ही पास से निकलेगा अपना पीछे वाला, ये देखो भाई कितनी छोटी बेल एकदम भाई बिल्कुल खड़ी गिरी है यार, ये क्या सीन हो गया। अब तो देखना बिल्कुल स्पीड में आएगी बेल्स। तो यार ये वाला बेलर या वो वाला बेलर आपको कमेंट सेक्शन में बताओ यार मेरे को, लेकिन ना इनको उठाएंगे कैसे यार। वो कोई नहीं, अपने पास ऑटो लोड ट्रेलर है, इसी चीज़ों के लिए रखा था हमने। फर्टिलाइज़र था या नहीं था खेत में यार, प्रोडक्शन कम हो रहा है इसमें, बिल्कुल ही जीरो प्रोडक्शन। एक दिन मेरे को देखना पड़ेगा यार फर्टिलाइज़र भाई, 50% ही फर्टिलाइज था यार, ये पता नहीं यार बिल्कुल खाद छिड़का नहीं है पिछली बार का ना, क्योंकि ना पिछली बार जो फसल थी अपनी तब छिड़का था ना, तभी का है ये 50% फर्टिलाइज है। बाकी ना बेलर मेरे को पसंद आ गया यार, ये छोटा सा बिल्कुल इंडियन स्टाइल ट्रैक्टर पे बढ़िया चल रहा है। फिर एक बेल गिरेगी भी, बिल्कुल छोटी सी बेल है यार ये आई, ये भाई एकदम व्यू देखो आप लोग भाई, यार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इंडियन ट्रैक्टर ज़्यादा बढ़िया लगते हैं या अपने को फॉरेन ट्रैक्टर, या दोनों का मिक्स वीडियो, जैसे अभी ये वाली वीडियो है ना, तो इंडियन है ना फॉरेन ट्रैक्टर, दोनों ट्रैक्टर की मिक्स्ड वीडियो है ये। भाई इस ट्रैक्टर के हिसाब से बेलर एकदम परफेक्ट है ही, ना दब रहा है ना ज़्यादा तेल भी फ्यूल भी नहीं ले रहा होगा। बाकी स्पीड में इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी मैंने, अगर ना जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर सके, ये और बढ़ा दी मैंने स्पीड अब ट्रैक्टर ना आरपीएम ड्रॉपेज दे रहा अपना, ओके भाई ये वाला ट्रैक्टर भी अपना ड्राइवर, ये वाला ड्राइवर मेरे को बढ़िया लगा, इसको रेगुलर बुलाना पड़ेगा। तो गाइस यार आप लोग मेरे को एक चीज़ भाई बुला रहे थे यार भाई, क्योंकि अपने पास ना ये भी तो था यार, मैं खरीद के लाया था यार इसको भी, मैं ये दूसरी जगह रख दिया था ना, मतलब दिखा नहीं है इसका यूज़ भाई, एकदम चेक करो आप भी भाई, भाई क्या फटफट है ये देखो। अरे अनफोल्ड तो कर दिया, और कितना अनफोल्ड करूं, ये आप लोगों को पता ना ये क्या है, भाई सीधा ही नहीं चल रहा ये, लेकिन यार ये छोटा खरीदने में आ गया, ये गलती मेरी थी, आपका कोई गलती नहीं इसमें। अरे यार भाई इतना इतना सा साइड में करने से क्या ही होएगा,
भाई ना इसकी वजह से ना ये एकदम जो इतनी छोटी छोटी लाइनें रहती है ना, ये एकदम भाई एक रो में आ जाती है पूरी है अपनी ग्रास, तो ना एक बार में अपना बेलर चला सकते हैं इसमें, तो एक बार में काम हो जाता है। ये क्यों उड़ गया? अरे भाई यार ये बहुत ज़्यादा ही मैंने छोटा खरीद लिया यार, गलती हो गई इसकी तो भाई, बार ही नुकसान हो गया। ये देखो भाई अलग ही ग्लिच है इसमें बार बार, तो भाई आज के पैसे तो बर्बाद हो गए मेरे। अबे भाई इसको छोड़ो, इससे बढ़िया मैं यूं ही चला लूँ इसको बेलर को। भाई गलती कर दी मैंने आज ये खरीद के, वैसे तो अपने पास बजट बिल्कुल हिला पड़ा है वो, लेकिन भाई मिल्क सेल करेंगे अभी, तो मिल्क का टैंकर मेरे को खरीदना है यार। बाकी मैंने काउस के लिए TMR भी बनाया था मैंने पिछली वीडियो में, आपने नहीं देखी हो तो जाके चेक करो। TMR एकदम भाई एकदम मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक नंबर चीज़ है वो। और जिसको TMR का मतलब नहीं पता है, तो भाई TMR में ये होता है कि भाई उसमें अपना मिनरल फीड, उसमें अपना साइलेज, उसमें हे, उसमें स्ट्रो, भाई सबको ना एकदम मशीन में डाल के मिक्स करते हैं, जिससे कि ना एकदम भाई बढ़िया ना बढ़िया प्रोडक्शन देने लायक उनका फूड बन सके अपनी गाय का, तो एकदम भाई तगड़ा प्रोडक्शन चालू हो गया तभी। और बाकी ना अपने पास ना एक चीज़, मैं भाई इसको नीचे करना भूल गया यार, बातों में रह जाता हूँ। तो बाकी ना अपने पास ना मैन्योर का भी अपना सिस्टम है, तो अभी खेतों में छिड़केंगे उसको, और अपनी स्लरी है स्लरी को भी खेतों में छिड़केंगे, क्योंकि ना अभी अपने को ना बेचने से ज़्यादा ना अपने को ना खेत में प्रोडक्शन बढ़ाना, अगर ज़्यादा हुआ ना तो बेच देंगे, क्योंकि अपने पास गाय भी तो 30 ही है यार, बिल्कुल कम गाय अभी तो अपने को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा पहले, तभी ज़्यादा अपना गाय ज़्यादा होगी ना तभी अपना काम होएगा। बाकी ये वाला व्यू चेक करो भाई लोग आप, भाई काउ फार्मिंग के अलावा मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग, आप ही का कमेंट सेक्शन है ये। बाकी पिछली वीडियो के लिए भाई सॉरी यार, मेरे को ना वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पता चला था कि अपना साउंड तो गया, अब कुछ कर भी नहीं सकता भाई, 1-1.5 घंटा लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने में, जब मैं एडिट करने बैठा था तब हुआ स्कैम, तो भाई कर नहीं पाया मैं। बाकी 2 दिन से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा वीडियो डालने का। बाकी अपना विंडो और तो अपना भाई बिल्कुल ख़त्म हो गया उसका काम, तो ज़्यादा ही छोटा खरीद लिया मैंने, वैसे तो मेरे पास लो बजट आइटम्स आते हैं खरीदने को। ये चीज़ पर मेरा डाउट था ना, जो मेरे को सही लगी भाई, जिस पे डाउट था वो एकदम सही चल रही है, ये वाला अपना बेलर स्क्वायर बेलर बाहर जो बिल्कुल जिस पे एकदम पूरा भरोसा था कि ठीक है आधा काम आसान कर देगा वो, उसी ने धोखा दे दिया आज को। बाकी एक काम करते हैं ना, जितना हुआ ना उतना सामान अंदर रख लेते हैं, बाकी ना तो मैं आपको मैं खुद कर लूँगा वो, क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो पहले ना सारी बेल्ट्स को लेते हैं अंदर, बाकी मैं इनका करता रहूँगा बाद में काम तमाम, और लेके इनको जमा दूंगा। पहले अपना वो ट्रेलर लेके आ जाता हूँ मैं, ट्रेलर कहाँ है? अरे ये स्कैम हो गया आज भाई, मेरे को नहीं पता आज अपने साथ क्या क्या हो रहे हैं, हर कुछ ही हो जा रहा है यार। ट्रैक्टर कहाँ गया अपना? वही बोरा भाई, कुछ भी हो जा रहा है मेरे साथ आज, कोई कभी तो ट्रैक्टर पलट जा रहा, कभी कुछ गलती हो जा रही, कभी कुछ गलती हो जा रही, आज का दिन खराब है। ये नहीं पलटाना, ये नहीं पलटाना, ये भी पलट गया भाई, इनके लिए ना एकदम भाई अलग ही कोई मशीन लानी पड़ेगी, वही निकालेगी अब भाई, मेरा दिमाग हो गया खराब, दो 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 ट्रैक्टर पलटा दिए मैंने, ऊपर से बिल्कुल काम निकल नहीं रहा। और ये वाली ट्राली लेने आया था मैं, और यहाँ पे ट्रैक्टर पहले से था भाई, पैदल ही आ जाता मैं, दो ट्रैक्टर पलटा दिए मैंने।
भाई ट्रैक्टर ये भी बढ़िया है भाई, लेकिन दो ट्रैक्टर पलटा दिए मैंने यार, बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई ट्रैक्टर को ना अभी सीधा करने के लिए अपने को ना किराया देना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो कोई एक्सकेवेटर एक्सकेवेटर भाई क्या बोल रहा मैं, ना कोई अपने पास कोई अपना वो जेसीबी वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ ठोक दिया मैंने भाई, एकदम बुरा ड्राइवर हूँ मैं। फिर टच होएगी ना ये देखो, और वो पलटी पलट जा, हाँ पलट जा, नहीं पलटी भाई, नहीं पलटी, सोई भाई लोग, नहीं पलटी वो। और के देखो भाई लोग, कुछ नहीं करना मेरे को, ऑटोमेटिक सब कुछ जा रहा है अंदर। यार कितनी छोटी बेल से ये ट्राली बिल्कुल नहीं भरेगी इससे तो भाई। एक दो खेत दूर है वहाँ पे भी है ये, मैं वहाँ पे भी लेने जाऊँगा, लेकिन वीडियो स्किप करके जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़िया। अरे यार वो बेल देखो भाई, एकदम कितनी भाई कितनी ख़राब चीज़ है ये। देख फिर चढ़ा रहा हूँ मैं अंदर, अंदर ही नहीं चढ़ाना है। चढ़ क्यों नहीं रही ये? भाई ये क्या आ रहा है, मतलब समझ भी नहीं आ रही क्या चीज़ है। लेफ्ट शिफ्ट प्लस आर, भाई ये ऑटोमेटिक कहाँ है लग जा रही है ये, मैं नहीं लगा रहा हूँ इनको बेल्टों को भाई। फिर ग्लिच है भाई यहाँ पे गेम में। तो ये ना मतलब डिबग है ये यहाँ यहाँ तक उठा सकता है ये। कोई नहीं, इसको बंद कर दे पहले। भाई मैं नहीं लगा रहा हूँ बेल्ट यार, भाई लग गई बेल्ट अब मेरे को नहीं पता, मैं जा रहा हूँ वो वाली बेल्ट लेने। चलो चलो दोनों बेल्स एक साथ, वाओ। तो ये ना आई थिंक सेफ्टी पर्पस की वजह से ऑटोमेटिक लग जाता है ये, क्योंकि ना अपन चला बहुत इसको ना स्पीड में रही है, तो ये ऑटोमेटिक इसलिए लग जाता है। मे बी ये इसका फीचर है ना कि बग है,
क्योंकि जैसे भी मैं इसको घुमा रहा हूँ, अगर बेल्ट ही नहीं लगेगी ना तो ये पूरी बेल्ट नीचे गिर जाएगी। तो भाई सॉरी फॉर डैट, क्योंकि ये फीचर है ना कि बग है। ये वाला तगड़ा फीचर है यार। बेल्ट हटाओ, अंदर रखो, बेल्ट ऑटोमेटिक लग जाती है। तो ये भाई बढ़िया चीज़ है, ये गलती चीज़ नहीं है यार, ये मैं गलती मैं कर रहा हूँ। ये देखो भाई, बाकी एक बेल बाकी है अभी, इसको भी जल्दी से उठाते हैं और लेके चलते हैं अपने फार्म पे, जहाँ पे हम इनको अनलोड कर सकें। और एक और चीज़ आपको बतानी थी, ये मैं उतर के बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे देखना, फर्टिलाइज्ड, अरे नहीं खेत का नहीं देखना, मेरे को बेल का देखना। हाँ भाई, मेरे को सोचा भाई बेल में फर्टिलाइज का क्या आ रहा है। ओके देखना कि ये नीचे आपको बिल्कुल बॉटम में दिख रही होगी बेल ओन्ड बाई मी, मतलब 750 लीटर की एक बेल है। बाकी ना ये मास है इसका दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाली फर्मेंटिंग जो चीज़ है ना, ये जैसे ही 100% हो जाएगी ना, ये 1 महीने बाद होएगी। ये मतलब गेम का 1 दिन, लेकिन रियल लाइफ का 1 महीना। तो इस गेम में ना 1 दिन में 1 महीना हो जाता है। तो 1 महीना जैसे ही हो जाएगा ना, तो ये 100% हो जाएगी। तो ये ना अभी तो ये ग्रास है, तो बाद में ना ये ग्रास नहीं है, मतलब ये काफ है, काफ CHAFF। तो मतलब ना कि ये अभी ना कॉर्न का चारा है, तो उसके बाद ना ये ऑटोमेटिक साइलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ना ओल्ड रहती है ना 1-2 महीने, तब जाके साइलेज में कन्वर्ट होती है। तो यही बताना था मैं आपको। तो ये ना 1 महीने बाद होगी ना, अभी हमें ये साइलेज नहीं है, अभी ये, अभी ये केवल एक बेल है, साइलेज ये बाद में होगी। अगर इसको ना अपन सेल करेंगे ना, तो अभी कम पैसा भी मिलेगा, लेकिन ये साइलेज बनने के बाद भाई तगड़ा पैसा दे के जाएगी ये। तो लेकिन अभी तो भाई अपने पास है भी तो कितनी सी बेल्स है यार, बिल्कुल लो तो है यार। अभी इसको सेल थोड़ी ना करेंगे। अरे भाई ये मैं ना अपने ना इनको ना इम्प्लीमेंट्स को ना हर कहीं पर छोड़ देता भाई, वहाँ से पलट जाती है, मैं जहाँ से आया था वहीं से लूँगा। भाई क्या ही जगह देख के रखा था इसको, ऑटोमेटिक। भाई बढ़िया चीज़ लगी मेरे को तो ये, भाई कहीं पे सेट कर दो यार। मतलब ट्रैक्टर थोड़ा स्पीड में रहता है ना, फिर ऑटोमेटिक ये लग जाता है इसमें बेल्ट मटेरियल टाइप ऑल, तब ये सब कुछ उठा पा रहा, वरना सिंगल मटेरियल होता कोई सिलेक्टेड तो ये नहीं उठा पाता बाकी चीज़ों को। ये अभी कुछ भी उठा सकता भाई, कुछ भी, एनीथिंग, ट्रैक्टर के अलावा। तो अभी ना इनको रखे कहाँ पे, स्पेशल शेड तो है अपने पास एक, वहीं पे रखते हैं। बाकी टैंकर खरीद के लाना पड़ेगा। ओके वो रहा स्पेशल शेड इनके लिए। ये ना एकदम, ये ना अभी वो साइलेज नहीं बनी है, तो ये कल तक मतलब 1 महीने बाद तक बनेगी। तो इसलिए अभी इनको ना यहीं पे रखते हैं। फिर ठोक दिया मैंने ट्रैक्टर भाई, बहुत बुरा ड्राइवर मैं। बाकी स्नो रनर की वीडियो कल आएगी, आज FS22 ओनली अनलोड हियर। ये एक क्लिक में अनलोड ईयर, भाई तगड़ा चीज़ है यार ये। और मैंने पूरा रायता फैला दिया वहाँ पे। तो अभी मैं ना टैंकर खरीद के लाता हूँ। तो पाइलो टैंकर अपने को बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ गया, मेरे पे बस $90 बाकी है पैसा। तो देखते हैं ये कितना मिलकर अपने पास, उसके बाद ये देखते हैं इन्हें मिल्क का प्राइस क्या रहता है। अगर सही रहा तो सेल कर देंगे, वरना नहीं करेंगे अभी। स्टार्ट
फीलिंग भाई एकदम आ रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा ये कितना एडिटर हुआ। ये हुआ अपना 2741 लीटर। प्राइसिंग चेक करते हैं मिल्क की, मिल्क कहाँ है, मिल्क मिल्क बटर 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 नहीं चाहिए, मिल्क कहाँ है, ऊपर छोड़िए एम से आएगा ना मिल्क। एक सेकंड, नो सेलिंग पॉइंट। ओ भाई दूसरे शहर में नहीं बेचने जा रहा मैं मिल्क को, भाई दूसरे शहर में जाना पड़ेगा यार, तो फिर इसको कल ही बेचेंगे। टैंकर यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी अपने को ना अभी एक स्लरी स्लरी टैंक भी लाना पड़ेगा और मैन्यूअल ट्रॉली भी लानी पड़ेगी, तो दोनों अपने पास अभी है नहीं। बाकी एक बार TMR चेक कर लेता कितना बाकी है अपने काउस के लिए। TMR कहाँ से चेक होएगा काउस का, ये रहा अपने पास है TMR कम है, ये भी कम है, तो ठीक है। ये वीडियो ना कल की वीडियो में ना बिल्कुल स्टार्ट होते ही अपन ये चीज़ें डालना चालू कर देंगे। तो भाई कैसे लगी वीडियो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने पास अभी करंटली बिल्कुल ना $46 है और वेजेस कट रहे हैं, तो भाई मैं भी ना कल तक जो वीडियो चालू करूँगा तब एकदम $0 हो जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम मिल्क सेलिंग से दूसरी सिटी में, या मे भी मैं बेच के आ जाऊँगा क्योंकि भाई 20 पैसों की तंगी चल रही है, या अपने को ना थोड़े ना अपने को ना अपने स्टोरेज में अपने पे वीट पड़ा आपको पता ही था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो वो सेल करके आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।